सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1। देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको फ्री टीम ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड की विनिंग टीम प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आप 100% जीत सकते हो। तो आज का जो मैच है बार वर्सेज गाइज का, इस पर कौन सी टीम आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड में लेनी है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। साथ ही आपको मैं ग्रैंड लीग टिप देता हूं, तो आप उस टिप का जरूर यूज किया करें, तभी आपकी ग्रैंड लीग यूज आप जीत सकते हैं। तो मैं देख सकता हूँ मेरे किंग ऑफ ड्रीम इलेवन पे, यहाँ पे हर एक टीम में प्रोवाइड की जा करता हूँ और आपको टिप भी देता हूँ कि आपको कौन से प्लेयर लेने हैं, कौन से आपको ड्रॉप करने हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हर एक मैच की यहाँ पे टीम प्रोवाइड कर देता हूँ और कहाँ पे आपको फ्री एंट्री मिल रही है वो भी आपको बता देता हूँ, किस ऐप पे फ्री एंट्री मिलती है वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहें, और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, जाके सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो पिच जो है एक्सपेक्टेड टू बैलेंस पिच है, आपको बता दूं बैटिंग बॉलिंग पिच है, एवरेज पिच रहेगी। स्पिनर जो रहेगी वो 60% तक यहाँ पे विकेट पा सकते हैं, और पेसर जो होंगे यहाँ पे 40% तक विकेट पा सकते हैं, 40 और स्पिनर जो रहेंगे उस पर 60% रहेगा, ठीक है ना। एवरेज स्कोर जो अभी तक दो मैच से देखा जा रहा है 140+ का रहा है। तो आइए बार्ट की न्यूज़ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जे चार्ली और साई होप बैटिंग करने आएंगे, जे चार्ली अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में साई होप ने भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया था। राशिद खान यहाँ पे आपको प्रमोट हुए थे, 19 रन बनाया था, साथ ही एक विकेट भी लिया था, तो एक कैप्टन पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, आप इन्हें जरूर ट्राई मारिएगा। हेडन वर्ल्स आप 12 रन मारे थे, एक विकेट लिया था, तो ये भी बहुत अच्छे पिक रहेंगे आपके ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड पे, तो इन्हें जरूर पिक करिएगा। और ये मिथिल सेंड्रल जो हैं ये आपको बता दूँ हेड टू हेड के लिए स्पेशल पिक रहेंगे। एंडर नर्सल को आप ड्रॉप मार सकते हो, के मायर्स हैं इन्हें भी आप ले सकते हो, ऑलराउंडर सेक्शन पर मिलेगा। यहाँ पे सेंट्रल राशिद के मायर जो होंगे, जैसन होल्डर, अर्शन नर्सी ये बॉलर के करेंगे। गाइस की बात करते हैं गुयाना के, जहाँ पे लास्ट विन किया था एस्टी लुसिया के विरुद्ध, और यहाँ पे बेडम किंग और चंद और हेमराज, बेडम किंग ने पिछली परफॉर्मेंस पे वापसी किया, बहुत अच्छे रन बनाए, हेमराज अभी भी अपना परफॉर्मेंस इतनी अच्छे नहीं कर रहे हैं और अपने परफॉर्मेंस से झेल रहे हैं। सिमर हिटमायर पिछले मैच पे अच्छी परफॉर्मेंस की और अच्छे खासे रन बनाए, रॉस टेलर एवरेज रहे हैं, और ये अपने अभी तक के एक मैच को छोड़ दिया जाए तो बाकी में ये अच्छे रन नहीं बना पाए। निकोल्स पूरम एक ग्रैंड लीग स्मॉल हेड टू हेड में यहाँ पे आप विकेट कीपर सेक्शन पे मिल जाएगा, इन्हें जरूर पिक करिएगा। सिमर हिटमायर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी कर रहे हैं, और लास्ट मैच जो हुआ था सेंट लूसिया की तरफ से 56 रन मारा था इन्होंने। कीमो पॉल, नवीन उल्हक दो दो विकेट लिया था, तो ये ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में हेड टू हेड में सभी में आप रखिएगा। केविन सिंक्लेयर हैं और इन्हें आप जरूर लीजिएगा, रोमियन सेफर्ड हैं, इमरान तहीन ने एक एक विकेट लिया था, लेकिन केविन सिंक्लेयर की बात करते हैं, ये ग्रैंड लीग में बहुत अच्छे पिक होंगे आपके लिए। क्यों होंगे? क्योंकि हर एक मैच में ये विकेट निकाल रहे हैं, और साथ ही यदि इनकी बैटिंग आती है तो बैटिंग पर भी अच्छे हाथ जमा सकते हैं। और क्रिस लिन और कीमो पॉल के बॉलर ऑलराउंडर टाइप पे आप पे मिल जाएंगे, इमरान तहीन, क्रिस लिन, कीमो पॉल रहेंगे, किमी मेगा, नवील हक और आर सेफर्ड रहेंगे, ये बॉलिंग टाइप के रहेंगे। की प्लेयर्स पर रहेंगे जो जैसन होल्डर हैं आपके, जो अपने 8 मुकाबले में 7 विकेट 120 रन 140 के स्ट्राइक रेट से मार चुके हैं। राशिद खान 8 मैचेस पे 10 विकेट ले के रखा है, 6.5 की इकॉनमी रेट है। यहाँ पे निकोल्स पूरम यहाँ पे 9 मैचेस पे यहाँ पे 234 रन मारे हैं। इस बीच पे इमरान ताहिर अपने 9 मैचेस पे 12 रन मारे हैं, तो यहाँ पे आप जो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, जैसन होल्डर, राशिद खान, निकोल्स पूरम, इमरान ताहिर, यहाँ पे आपको बता दूँ इमरान ताहिर हो या अदर, आपको एक आध मेन प्लेयर छोड़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रैंड लीग ही इस ड्रीम इलेवन पे खेलो, एसएल और हेड टू हेड और आप 2-10, ये आप जीसी इलेवन माई फाइव इलेवन पे ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम इलेवन से कम एंट्री फीस है, रीजन भी बहुत अच्छा है, एंट्री फीस जो होगी वो कम रहेगी ड्रीम इलेवन से माई फाइव इलेवन और जीसी इलेवन पे। तो ग्रैंड लीग मैं आपको रेफ़र करूँगा, इससे अच्छा ऐप नहीं है, तो आप यहीं पे खेलो। फर्स्ट प्राइज़ जो होगी 49 में आप दे सकते हो, 5 लाख रुपए मिल रही है। तो आइए चलते आज के जो टीमें रहेगी वो कैसे होने वाली है, तो यहाँ से मैं आपको टीम प्रोवाइड करा दी। यहाँ पे निकोल्स पूरन और जे चार्ली मैंने आपको लिया है, यहाँ पे यदि एक आप लेना चाहेंगे एक विकेट कीपर, तब आपको जाके यहाँ से इमरान ताहिर मिलेंगे, यदि दो विकेट कीपर के साथ जाओगे तो आपको यहाँ से ताहिर नहीं मिलेंगे, तो आपके ऊपर है। यहाँ पे रॉस टेलर को मैंने ड्रॉप किया है, हिटमायर को मैंने फिर से यहाँ पे लिया है, पिछले मैच में बहुत अच्छे रन मारे थे और 56 रन मारा था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे विलियम
किंग है। पिछले परफॉर्मेंस इनकी इतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन इसके पहले वाले में फॉर्म पे वापस आ गए हैं, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो। आप अपने चीफ ओवर भी डाल सकते हैं। कोरियन डर्ट्स एंड ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। के मायर रहेंगे आपके लिए बहुत अच्छे पिक आज के मैच के लिए। रॉस टेलर रहेंगे रिस्की मैच ग्रैंड लीग के लिए। रिस्क टीम बनाओगे तो आप ट्राई कर सकते हो। के सिंक्लियर हैं, आप इन्हें ज़रूर पिक करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने हर एक मैच पे अच्छी परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं ये, और विकेट भी निकाल के दे रहे हैं। तो यहाँ पे कीमो पॉल और जे होल्डर आप इन्हें ज़रूर ले सकते हैं। सेंटनर जो होंगे वो ग्रैंड लीग पिक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में एक अच्छी वापसी की इन्होंने विकेट भी 36 रन मारा था। विकेट जरूर नहीं लिया लेकिन इन्होंने 36 रन मारा था। यहाँ पे ए नर्से हैं, अपने अभी फॉर्म से जूझ ही रहे हैं, एवरेज देख के भी नहीं जाते, कभी कभी बॉलिंग करते हैं तो विकेट, और इनकी बॉलिंग भी 4 ओवर कंप्लीट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं ग्रैंड लीग रिस्की टीम में आप कर सकते हो। हेमराज होंगे वो हाई रिस्क रहेंगे, पिछले मैच में ज़रूर अच्छी वापसी की, यहाँ पे 56 रन मारा था, साथ ही एक कैच भी लिया था। ठीक है, तो आप एक हाई रिस्क में लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपके पास सिंक्लियर जो होंगे वो सेफ ऑप्शन रहेंगे। ए नर्से जो रहेंगे आपको बता दूँ, ये आपके रिस्क टीम के लिए अच्छे रहेंगे ए नर्से, और सेफ टीम में हेड टू हेड में आप इन्हें यूज मत करें। हेड टू हेड के लिए जेसन होल्डर, कीमो पॉल, मिथिल सेंटर पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप एक विकेट कीपर चेंज कर सकते हैं, चार्ली की जगह आप इमरान ताहिर को ले जा सकते हैं अपने ग्रैंड लीग या हेड टू हेड पे, एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके। यदि आप यहाँ से सिंक्लियर नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे क्रिस ग्रीन आपको मिल जाएंगे, तो आप ग्रीन के साथ चले जाओ। नवील उल हक हैं, अपने सभी मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और पिछले मैच को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, विकेट नहीं पाए थे, तो अपने दो मुकाबले में अपने यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस किए थे। एक मैच पे परफॉर्मेंस नहीं करते तो दूसरे मैच में परफॉर्मेंस जरूर करते हैं, तो इसलिए आज का मैच इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज ये एच वर्ल्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास एन यंग है, आपको बता दूँ यंग भी बहुत अच्छे बॉलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे टूर्नामेंट पर इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। आर सेफर हैं, विकेट टेकर हैं, अपने हर एक मैच पर विकेट निकाल के दे रहे हैं, कहीं नहीं फील्डिंग से हो। एन नेड हैं, ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके पास लेकिन ये मैच नहीं खेल रहे हैं, तो ये हो गई आर रेफर हैं, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं अपने, ये आपको बता दूँ डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही आपको 4 ओवर कंप्लीट करने को देखने को मिलेंगे यदि ये पिटर नहीं जाते तो। लेकिन एच वर्ल्ड की बात करते हैं, वर्ल्ड जो हैं अपने हर एक मैच में, लास्ट मैच में इन्होंने 3 से 4 विकेट शायद लिया था, 3 विकेट लिया था, और यहाँ पर 3 कैचेस भी लिए थे, तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया इन्होंने, तो आप इन्हें जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। आइए कैप्टन वाइस कैप्टन आपके पास कैसे रह सकते हैं, तो मैं आपको ग्रैंड लीग हेड टू हेड के लिए कैप्टन बता दूं। कैप्टन हमारे यही रहेंगे, वाइस कैप्टन हिटमायर रख सकते हो, पूरन रख सकते हो, चार्ली रख सकते हो। फिर आपके पास राशिद खान है, ठीक है ना, नवील उल हक भी हैं आपके पास, क्रिस ग्रीन है, ये आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। हेड टू हेड में आप इन्हें लें, कैप्टन इन्हें ही ले लें, वाइस कैप्टन राशिद खान, हिटमायर, पूरन, ये आप हेड टू हेड में इन्हें रख सकते हो यदि आप एक से ज़्यादा टीम बनाते हो। स्मॉल लीग में भी कुछ इसी टाइप की टीम रहने वाली है, तो आई होप कि जो भी मैं टिप देता हूँ आप उसे फॉलो करो, तभी आपकी ग्रैंड लीग लगेगी। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।